अस्सलाम वालेकुम, बैक टू माय चैनल एकेडमी। तो यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करने वाली हूँ, और के साथ साथ जो भी प्रोसेस है, जो भी चीजें चाहिए। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे और मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे कि कॉलेज के अब जो फर्स्ट ईयर के एडमिशन होंगे कराची बोर्ड के, सिंध बोर्ड के, वो कैसे होंगे, किस बेस पे होंगे, 2024 से लेकर 2025 के बैच का एडमिशन कैसे होगा। तो आपके जो एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1 जुलाई से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, और सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है। अब मैं आगे जाके डिटेल सारी बताने वाली हूँ, परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन इस वक्त जो मैं बता रही हूँ आपने उस पर भी फोकस करना है। 1 जुलाई 2024 से आपके फॉर्म जो है वो ऑनलाइन आ जाएंगे। कहाँ से मिलेगा फॉर्म, कैसे फिल करना है, सब मैं बताऊंगी, लेकिन आपने 1 जुलाई के आने से पहले पहले ये काम जरूर कर लेना है। दो काम है बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपने अपने कॉलेजेस लिस्ट आउट करके रखने हैं, कि आपने अपने परसेंटेज के हिसाब से कौन कौन से कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं। अब कॉलेज किस बेस पे सेलेक्ट करेंगे, आपने अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अभी तो आपने सब कंप्यूटर साइंस से या बायो से या जिस भी फील्ड से आपने पिक कर लिया है, ठीक है, लेकिन अब आगे जाके आपने अपने आप को किस फील्ड में आगे लेके जाना है, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी आपने फील्ड रखनी है उसके अकॉर्डिंग आपने कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं। तो पहला काम क्या हो गया कि आपने अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है, ठीक है, बाद आपने उसके अकॉर्डिंग अपने कॉलेजेस देखने हैं। कॉलेजेस देखने का मतलब ये है कि आपने लिस्ट आउट करना है कि कौन कौन से कॉलेज के अंदर, अगर फॉर एग्जाम्पल आप कॉमर्स ले रहे हैं तो कौन कौन से कॉलेज में, गवर्नमेंट में लेना है तो उसकी बात करी हूँ, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस का अभी मैं बात नहीं करी, मैं बात कर रही हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपने देखना है कि कौन से कॉलेज में कॉमर्स पढ़ाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद आपने ये भी देखना है कि वहां पे अगर आप गर्ल हो तो गर्ल के लिहाज से, और अगर बॉय हो तो बॉय के लिहाज से आपने कॉलेज देखने हैं, ठीक है। टॉप आपने कॉलेजेस देखने हैं जो आपके लिए बेस्ट हो, जिसमें आपकी फील्ड भी बढ़ाई जा रही हो, सीट्स भी अच्छी खासी हो, और दूसरी बात ये कि आपका मेरिट भी इतना हो कि आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। और आपने फिर ये भी देखना है कि आपका जो कॉलेज है वो गर्ल्स और बॉयज, जिसके अकॉर्डिंग आपने जरूर देखना है, कि अक्सर कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि गर्ल्स के लिए होते हैं और उसके अंदर कॉमर्स पढ़ाई जा रही होती है, लेकिन बॉयज के लिए वहां पे कॉमर्स नहीं होती। या कंप्यूटर साइंस का बहुत ज्यादा मसला ये आता है कि मेन कॉलेजेस जो बड़े बड़े कॉलेजेस थे तो वहां पे कंप्यूटर साइंस की सीट बहुत, या तो बहुत सिलेक्टेड होती है या होती ही नहीं है। तो आपने इन सारी चीजों को ध्यान में रख के फिर फिलअप करना है। इसकी वजह क्या होगी वो मैं आगे जाके आपको नुकसान भी बताऊंगी, कि अगर आप ये चीजें अभी से सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि गवर्नमेंट वाले या बोर्ड वाले अपने हिसाब से आपके एरिया को देख के किसी भी कॉलेज में नाम दे देंगे, और फिर आपको उसी कॉलेज में लेना पड़ता है, अनलेस कि आपका मेरिट इतना अच्छा हो कि आप क्लेम फॉर्म भर के दूसरा कॉलेज ले लो, ठीक है। तो इस क्वारी से बचने के लिए आपने क्या करना है, पहले से अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है और पहले से अपने कॉलेज डिसाइड करके रखने हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मेरिट का मैं क्यों बोल रही हूँ, मेरिट इस काबिल होना चाहिए कि आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो, ठीक है। अब आपकी परसेंटेज आई है फॉर एग्जाम्पल 68 और आप देख रहे हो टॉप 5 कॉलेजेस के जिसके अंदर आपको फील्ड और सीट मिल जाए, तो ये आपकी बेवकूफी होगी। इसमें गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, इसमें बोर्ड का कसूर नहीं है, इसमें कॉलेज का कसूर नहीं है, इसमें आपका कसूर है। आपने अपना मेरिट देख के कॉलेज का नाम नहीं भरा, आपको कोई भी रैंडम कॉलेज मिल सकता है जो बोर्ड आपको अलॉट करेगा, फिर आपको क्वारी उठानी पड़ेगी, पूरा क्लेम फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें भी चांस होता है अगर सीट होती है तो मिल जाता है, अदरवाइज आपका जो कॉलेज है फिर आपको वहीं से कंटिन्यू करना पड़ता है। तो इस क्वारी से बचने के लिए आपने ये प्रोसेस जरूर करना है। अब आगे बात करते हैं कि आगे का प्रोसेस कैसा होगा, फॉर्म कैसे भरना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपका जो एडमिशन है फर्स्ट ईयर का वो आपका होगा 9th की बेस पे, ये बात कंफर्म हो चुकी है कि 2024 के स्टूडेंट का एडमिशन फर्स्ट ईयर के लिए 9th की बेस पे होगा। जो 9th में आपके परसेंटेज आई है उसी बेस पे, उसी मेरिट पे आपको एडमिशन दिया जाएगा फर्स्ट ईयर का। उसके बाद जब आपका मैट्रिक रिजल्ट आ जाएगा फिर आप सारे पेपर से पास होगे, और जो भी आपका फिर आगे एग्रीगेट बनेगा उसके अकॉर्डिंग फिर आपका प्रोसेस होगा। अगर आपका पेपर रह गया तो फिर आपका एडमिशन जो है वो ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाता है या रुक जाता है जब तक आप वो पेपर क्लियर ना कर लो, ठीक है। तो अगर आपका अभी 9th में सारे पेपर क्लियर है, अच्छा अच्छी परसेंटेज है, तो आपने कॉलेज और फील्ड सेलेक्ट करके रख लेनी है, ठीक है, क्योंकि आपका एडमिशन हो रहा है इस वक्त 9th की बेस पे, ठीक है। उसके अलावा अब आपके क्योंकि फॉर्म्स ऑनलाइन जाएंगे तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, किसकी कितनी कॉपीज चाहिए, और आपने ओरिजिनल कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर सेंड करनी होती है, और इवन के फाइल्स का भी बड़ा मसला आता है कि हैवी शनाख्ती कार्ड आपको चाहिए होता है, तो अगर जिन स्टूडेंट का नहीं है तो उसके लिए क्या करें। उसके अलावा बे फॉर्म की कितनी पिक्चर चाहिए, मार्कशीट की, एडमिट कार्ड की, हर चीज की कितनी पिक्चर चाहिए, ये सारी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अलग से मैंने डॉक्यूमेंट्स की वीडियो बनाई है, बहुत छोटी वीडियो है, आप वो देख लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, डॉक्यूमेंट्स पहले प्रिपेयर कर लें और सारी चीजें बिल्कुल प्रिपेरेशन
आपकी पूरी होनी चाहिए ताकि आपको एडमिशन और फॉर्म भरते हुए कोई परेशानी ना हो। अब आगे जाके और डिटेल्स में इसकी बता देती हूँ। सो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आपका जो सारा प्रोसेस है ऑनलाइन में, काफी देर से जो आपको बोल रही हूँ कि आपका फॉर्म ऑनलाइन आएंगे, तो आपका जो सारा प्रोसेस है अब वो ऑनलाइन होगा। कोई आपने कॉलेज में जाके फॉर्म नहीं लेके आना, कोई आपने फिजिकल एफर्ट नहीं करनी, सारी एफर्ट आपने ऑनलाइन बैठ के घर से कम्प्लीट करनी है लैपटॉप या अपने कंप्यूटर से। मैं इसलिए ये दो गैजेट की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स मोबाइल फोन से इसको भरते हैं फॉर्म को, उनकी ज्यादा से ज्यादा मसले आते हैं, उनकी मिस्टेक हो जाती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती हैं, फॉर्म सही से प्रोसीड नहीं हो रहा होता। सो अगर आपके पास कोई कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह की फैसिलिटी नहीं है तो आप इनके जाके कहीं पे भी जाके आप इसको फिल करिएगा फॉर्म को मोबाइल फोन से। मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि आप ना करें बल्कि कंप्यूटर या लैपटॉप से ही एक दफा फिल कर लें। छोटा सा प्रोसेस है, आपने उसको ध्यान से फिल करना है। अगर आपने अपनी मोबाइल से किया और कोई प्रॉब्लम आ गई तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। आगे मैं बताती हूँ कि आपके फॉर्म्स रिजेक्ट भी हो जाते हैं तो वो क्यों होते हैं। सो आपके जो फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन ही आएंगे, आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे। कैसे मिलेंगे उसकी भी वीडियो मेरे पास मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कहाँ से फॉर्म आने हैं, कैसे आपने एक्सेस करना है उस फॉर्म को। दूसरी बात ये कि आपने ऑनलाइन ही सबमिट करवाना है। पहले जो आपके अभी एग्जामिनेशन फॉर्म आए थे वो फर्स्ट ईयर के इस तरह से आए थे कि ऑनलाइन अवेलेबल थे लेकिन उसकी सबमिशन थी, वो आपने उसका प्रिंट आउट लेके उसके बाद फिर आपने उसको फिजिकल जाके कॉलेज में सबमिट करवाना था। लेकिन अब आपके जो स्कैप फॉर्म है वो आपके ऑनलाइन ही आएंगे और ऑनलाइन ही जमा होंगे, आपने कोई एफर्ट नहीं करनी कॉलेज जाने की। उसके अलावा ये जो अप्रूव स्टेटस यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ये क्या चीज है? ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसका मतलब ये होता है अगर आपके फॉर्म पे लिखा हुआ रहा है अप्रूव स्टेटस, जब आप फिल करके सबमिट करा देंगे, सबमिट करवाने के बाद आपका जो आएगा वो आ रहा होता है मोस्टली स्टेटस पेंडिंग का, कि आपका जो फॉर्म है वो अभी अप्रूव नहीं हुआ है कॉलेज की तरफ से, बोर्ड की तरफ से। सारी चीजें पहले वो देखते हैं कि सारी मार्कशीट जो नंबर आपने लिखे हैं वो सारे अथेंटिक है या नहीं है, यानी कि आपने सही फिल किए हैं, हर चीज पीछे से बैकग्राउंड देखने के बाद आपका एडमिशन होता है। तो अगर आपका अप्रूव स्टेटस नहीं आया तो इसका मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एडमिशन वहां पे नहीं होगा, उस कॉलेज में नहीं होगा। ठीक है, अब क्यों नहीं होगा वो मैं वजूहात आपको आगे जाके बताती हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ पे ये बता देती हूँ कि अगर आपका फॉर्म पे स्टेटस पेंडिंग के बाद अगले दो तीन दिन, चार दिन या एक हफ्ते बाद अप्रूव स्टेटस आ जाता है, दैट मीन्स कि आपको एडमिशन मिल गया है। अगर नहीं आता, आपका फॉर्म हो गया है रिजेक्ट, आपने उसके लिए फिर दूसरा प्रोसेस करना होगा। ठीक है, आप सिर्फ अगर लिखा हुआ आ रहा है कि पेंडिंग तो आप वेट कर सकते हो, लेकिन अगर अप्रूव स्टेटस नहीं आ रहा, रिजेक्टेड आ रहा है, तो फिर आपका फॉर्म हो गया रिजेक्ट और आपने आगे जाके दूसरा प्रोसेस करना होगा। फॉर्म हो गया है रिजेक्ट, अब रिजेक्ट कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ और मिस्टेक्स क्या थी। पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो मैंने आपको बता दी कि आपने फोन से इसको फॉर्म को फिल नहीं करना है, आपने कंप्यूटर या लैपटॉप से करना है। दूसरी बात यह है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। जैसे जैसे आप उसके अंदर फॉर्म फिल करते जाते हो, इन्फॉर्मेशन देते जाते हो, तो आपका जो चीजें हैं वो फिल आउट होती जाती हैं और नेक्स्ट स्टेप पे आप जाते जाते हो। लेकिन अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं ग्लिच आ गया है, आपका जो आपने फिल की थी इन्फॉर्मेशन उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, या आपने टाइप करते हुए कहीं अटक गया था इंटरनेट और फिर वो आधी इन्फॉर्मेशन गई है, तो इस वजह से भी आपका फॉर्म हो जाता है रिजेक्ट। दूसरी बात ये कि आपने अगर गलत इन्फॉर्मेशन दी है, जानबूझ के अपने नंबर बढ़ाए हैं, क्योंकि वहां पे वो आपसे पूछता है कि आपने 9 में कितने में से कितने मार्क्स लिए हैं, हर चीज आपसे डिटेल में पूछेगा वो। अगर आपने गलत चीजें फिल कर दी, यहां तक कि अगर आपने अपना वे फॉर्म नंबर भी गलत डाल दिया, तो आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। ठीक है, क्योंकि वो पहले आपका फॉर्म सबमिट करवाते हैं, फिर वो अप्रूव भी करवाते हैं। अप्रूव का मतलब ये होता है कि हर चीज पीछे से जाके चेक होगी, बोर्ड आपकी सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आपके स्कूल से भी टैली करता है कि जो जिस स्कूल से आपने मैट्रिक किया है या जितनी भी परसेंटेज से आपने मैट्रिक किया है, उस बोर्ड से वो पहले अथॉरिफाई कराएंगे कि आपका ये जो सारी चीजें हैं ये वाकई में आपने की हैं, सारी चीजें अप्रूव हुई हैं, तो आगे जाके आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो जाओगे। और जो जिन स्टूडेंट्स के रिजेक्ट हुए हैं फॉर्म, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो आप जाके देख सकते हैं कि ये वाली मिस्टेक आपने नहीं करनी है। उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि स्टूडेंट्स गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं, एड्रेस गलत डालते हैं। एड्रेस कैसे डालना है वो मैंने आपको बताया था कि आपने बिल के अकॉर्डिंग डालना होता है, अकॉर्डिंग डालना होता है कि इलेक्ट्रिक का बिल या गैस का बिल जो होता है आपका, उसके ऊपर जो आपका एड्रेस लिखा होता है आपने वो डालना है। अच्छा, जो स्टूडेंट रेंट पे रहते हैं या जिनका अपना घर नहीं है या परमानेंट एड्रेस क्या है,
तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने गलत इन्फॉर्मेशन किसी भी सूरत में नहीं देनी है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है। उसकी वीडियो मैं आपको यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगी, तो आप जरूर जाके देखिएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहेगी। और अगेन, ये सारी वीडियो आपने फॉर्म फिल करने से पहले देखनी है। फॉर्म फिल करने के बाद अगर ये वीडियो देखी और आपसे कोई मिस्टेक हो गई, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है, फॉर्म आपकी गलती की वजह से रिजेक्ट होगा तो वो आपका ही कसूर है। सो ये थी मेरी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। जो जो गलतियां स्टूडेंट्स पहले कर चुके हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस है और ये कंपैरेटिवली रिलेटिवली न्यू प्रोसेस है, इससे पहले जितने भी एडमिशन हुए हैं लास्ट ईयर के अलावा, वो सारे आपने कॉलेज में जाके लेना होता था फॉर्म, उसके बाद फिर आपने खुद घर लाके फिल करना होता था, उसके बाद सबमिट कराना होता था, फिर जाके पता करना होता था कितने एग्रीगेट पे क्लोज हुआ है कॉलेज, कितनी सीट्स थी, आपका हुआ है एडमिशन या नहीं। लेकिन अब ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है, ऑनलाइन में मिस्टेक्स भी ज्यादा होती हैं, ये प्रोसेस थोड़ा सा आसान भी है, घर बैठे आपको एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ नहीं आई, आपने गलतियां कर दी, आपका कसूर होगा, आप ही इसकी सजा भुगतेंगे। ठीक है, मैंने हर चीज की डिटेल वीडियो आपके लिए बना दी है ऑलरेडी, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आने वाली वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू अपडेट आपको मिल जाए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।